हेलो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, इस दुनिया में हर कोई खुश रहना चाहता है, लेकिन अधिकतर लोग ये नहीं जानते कि खुश कैसे रहा जा सकता है। ऐसे लोग खुशी के कारण तो ढूंढते रहते हैं, लेकिन उन्हें एक भी कारण दिखाई नहीं देता। इसलिए आज मैं आपको खुश रहने का रास्ता बताने के लिए एक कहानी सुनाऊंगा। एक गाँव में एक महात्मा रहते थे। उनके विचार और सिद्धांत दूर दूर तक प्रसिद्ध थे। लोग दूर दूर से उनके पास अपनी समस्याएं लेकर आते थे और महात्मा उनका मार्गदर्शन करते थे। एक दिन की बात है, एक व्यक्ति महात्मा के पास आया और उनसे पूछा कि हे महात्मा, मैं खुश रहने का राज जानना चाहता हूँ। महात्मा ने उससे कहा, ठीक है, मैं तुम्हें खुश रहने का राज बताऊँगा, लेकिन उससे पहले हम थोड़ा घूम आते हैं। वह व्यक्ति और महात्मा घूमने के लिए चल दिए। कुछ दूर चलने के बाद महात्मा ने रास्ते पर पड़े एक पत्थर को देखा और रुक गए और उस व्यक्ति से कहा कि तुम इस पत्थर को उठा लो। यह सुनते ही उस व्यक्ति ने पत्थर को उठा लिया और महात्मा के पीछे चलने लगा। कुछ समय बाद उस व्यक्ति के हाथ में दर्द होने लगा, लेकिन उसने कुछ नहीं बोला, वह चुपचाप चलता रहा। लेकिन कुछ समय बाद जब दर्द हद से ज़्यादा बढ़ गया तो उस व्यक्ति ने महात्मा से कहा कि मुझे इस पत्थर के कारण दर्द हो रहा है। तो महात्मा ने कहा, इस पत्थर को नीचे रख दो। महात्मा ने उस व्यक्ति से पूछा कि अब तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है। उस व्यक्ति ने कहा कि मुझे बड़ी राहत महसूस हो रही है। तभी महात्मा ने कहा कि तुम खुश रहने का राज जानना चाहते थे ना, यही है खुश रहने का राज। उस व्यक्ति ने कहा, हे महात्मा, मुझे कुछ भी समझ नहीं आया। महात्मा ने कहा कि जिस तरह इस पत्थर को थोड़े समय तक उठाने पर थोड़ा दर्द हुआ और अधिक समय तक उठाने पर ज़्यादा दर्द हुआ, ठीक उसी प्रकार दुखों के बोझ को जितने अधिक समय तक आप उठाए रखोगे, उतना ही ज़्यादा दुखी और निराश रहोगे। अगर तुम खुश रहना चाहते हो तो दुख रूपी पत्थर को नीचे रख दो। दोस्तों, इस कहानी से मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि यह हम पर निर्भर करता है कि हम दुखों के बोझ को कुछ समय तक उठाए रखना चाहते हैं या फिर पूरी ज़िंदगी भर उठाए रखना चाहते हैं। अगर आप अपनी ज़िंदगी में खुश रहना चाहते हो तो आपको दुख रूपी पत्थर को नीचे रखना सीखना होगा, और अगर हो सके तो उस दुख रूपी पत्थर को उठाओ ही नहीं। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आप चाहते हैं कि ये वीडियो किसी और के काम भी आए तो आप इसे शेयर भी कर सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट के थ्रू मुझे बता सकते हैं। थैंक यू।